देश भर के लाखों लोगों ने सहारा ग्रुप की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश किया था। वहीं कई साल इंतजार के बाद अब उनका पैसा उनको वापस मिलने जा रहा है। इसे लेकर कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की और सहारा ग्रुप के कॉर्पोरेटिव्स में फंसे पैसों को वापस देने के लिए भारी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। करीब एक सप्ताह के भीतर 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने पैसों की वापसी के लिए क्लेम किया है। अगर आपका भी पैसा सहारा ग्रुप में फंसा है तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसों के रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद करीब 45 दिन का समय लगेगा। वहीं अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रिफंड का पैसा अकाउंट में वापस आया या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। बता दें कि सहारा की 4 कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के करीब 4 करोड़ ऐसे लोगों का पैसा रिफंड मिलेगा जिनके निवेश की मैच्योरिटी की समय सीमा पूरी हो चुकी है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल लोगों को 10,000 रुपए तक की रकम रिफंड की जाएगी, यानी कि पहले फेज में उन लोगों का जमा पैसा वापस लौटाया जाएगा जिसने 10,000 रुपए तक का निवेश किया है। वहीं जिन लोगों ने 10,000 से ज्यादा निवेश किया है उन्हें भी 10,000 रुपए का रिफंड किया जाएगा। अगर क्लेम 50,000 रुपए से ज्यादा है तो इसके लिए आपको पैन कार्ड भी देना होगा। साथ ही जिन लोगों ने सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में निवेश किया हुआ है, जिनकी रकम मिलने की ड्यू डेट निकल चुकी है, वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिफंड की मंजूरी मिल जाती है तो आपको इस बारे में जानकारी SMS के द्वारा मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक नहीं है तो रिफंड के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अप्लाई करने के लिए लोगों के पास मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, तभी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब ये देखना बाकी है कि कब तक सभी निवेशकों को पैसा वापस मिल पाएगा। ऐसी ही कुछ जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब कीजिए।